जय हिंद एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं यहाँ आप लोगों के साथ एक ऐसी फरमाइश को लेकर प्रेजेंट हूँ जो कि आज से पहले मैंने कभी नहीं की थी, क्योंकि ये फरमाइश है। लगातार कई लोगों की फरमाइश आ रही है कि मैं आपके आवाज़ में मीर तकी मीर और मिर्ज़ा गालिब के शेर सुनना चाहता हूँ या सुनना चाहती हूँ। कई फरमाइशें आ रही हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अपने व्यूअर्स के लिए जो है ये भी ट्राई करते हैं, क्योंकि मुझे अपने से ज़्यादा अपनों का ख्याल है। यहाँ पे पहली बार आप लोगों के सामने मिर्ज़ा गालिब और मीर तकी मीर के शेर अर्ज़ करूँगा। अगर कोई कमियाँ होंगी तो माफ़ी फरमाइएगा, और जी कमेंट्स में बिल्कुल ज़रूर लिखिएगा कि क्या कमियाँ रहीं या क्या अच्छाइयाँ रहीं मुझे, और क्या बेहतर करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक इंसान अपने अंदर की कमियों को दूर नहीं करता, तब तक वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं करता। ये चंद दिन की दुनिया है गालिब, ये चंद दिन की दुनिया है गालिब, यहाँ पलकों पर बिठाया जाता है नज़रों से गिराने के लिए। जिंदगी उसी की है जिसकी मौत पर ज़माना अफसोस करे, जिंदगी उसी की है जिसकी मौत पर ज़माना अफसोस करे। यूँ तो गालिब हर शख्स दुनिया में आता है मरने के लिए। रफ्तार ज़िंदगी की कुछ यूँ बनाए रख, रफ्तार ज़िंदगी की कुछ यूँ ही बनाए रख कि दुश्मन भले ही आगे निकल जाए पर दोस्त कोई पीछे ना छूटे, कि दुश्मन भले ही आगे निकल जाए पर दोस्त कोई पीछे ना छूटे। मुस्कान बनाए रखो तो सब साथ हैं गालिब, मुस्कान बनाए रखो तो सब साथ हैं गालिब, वरना आंसुओं को तो आँखों में भी पनाह नहीं मिलती। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिशों पे दम निकले, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। यहाँ सहल का मतलब है आसान से, मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, फलक मीन्स आसमान। मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। एक हूक सी दिल में होती है, एक दर्द जिगर में होता है, मैं रातों उठ उठ रोता हूँ जब सारा आलम सोता है। दर्दमंदों से तुम ही दूर फिरा करते हो, दर्दमंदों से तुम ही दूर फिरा करते हो, पूछने वरना सभी आते हैं बीमार के पास। हमने सोचा न था ज़िंदगी में कुछ ख्वाब ऐसे भी होंगे, हमने सोचा न था ज़िंदगी में ख्वाब कुछ ऐसे भी होंगे जिसके पूरे होने पर भी एहसास न होंगे। चलते चलते मैं आप लोगों को इन लाइनों के साथ छोड़े जाता हूँ जो कि मैंने स्पेशली आप सबके लिए लिखी है। चला था मैं अकेला इन राहों पे, चला था अकेला मैं इन राहों पे, और आप सबका साथ मिलता गया और परिवार बनता गया। रखना है ख्याल अब आप सबका मुझे, रखना है ख्याल अब आप सबका मुझे, क्योंकि बिना हम सफ़र के सफ़र का मज़ा नहीं होता। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।